वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ UGC NET GRF विजुअल आर्ट का 2023 का क्वेश्चन पेपर, फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चंस आंसर भी डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी पेंटिंग्स हैं जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, उस पेंटिंग्स को भी हम देख कर डिस्कस करेंगे, ताकि जो आगे एग्ज़ाम जब भी आपके होंगे तो उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें काफ़ी डीप डिस्कशन करने की वजह से ही आपका जो ये वीडियो है ये दो पार्ट में बन पाएगा क्वेश्चन पेपर का। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ट्रेड नाम। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ, इसको मैं जूम कर लूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दृश्य संप्रेषण में कौन कौन सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन है संकेत, प्रतीक, संगीत, टाइपोग्राफी या फिर मुद्रण कला। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है थर्ड, ए संकेत, बी प्रतीक एंड डी टाइपोग्राफी या फिर मुद्रण कला। तो आपका ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें मिलान का, इसमें ए क्वेश्चन है रेगुलेट, ये आपका हो जाएगा ये है आपका डेकोरेटिव, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा डेकोरेटिव। फ्यूचुरा आपका है सेंस सेरिफ, बास्करविले, ट्रांजिशनल सेरिफ, बडोनी मॉडर्न सेरिफ। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कथन एक है चित्र पूर्ण होने की प्रक्रिया पहले चित्र निर्माण तत्पश्चात फ्रेमिंग से होती है। कथन दो है चित्र के लिए फ्रेमिंग आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। नेक्स्ट है जेन एवरिल, जेन एवरिल की पेंटिंग जो बनाई गई है वो किसने बनाया है, तोलुस लोत्रेक ने। नेक्स्ट है एंटिल डेथ, एंटिल डेथ है फ्रांसिस्को दी गोया, दी वॉर ऑटोडिस्क, वुड कट, कैरोल समर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जेन एवरिल यानी कि ए का चौथा, बी है एंटिल डेथ, ये आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को दी गोया थर्ड, दी वॉर ऑटोडिस्क सेकेंड है, वुड कट आपका फर्स्ट में हो जाएगा, कैरोल समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूर्तिकला एक त्रिआयामी रूप है और सभी दिशाओं से उसका अवलोकन किया जा सकता है। कथन सेकंड, रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी नहीं होती क्योंकि हम सभी दिशाओं से उसका अवलोकन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। क्यों है कथन दो असत्य, कि रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी नहीं होती। जाहिर सी बात है कि अगर हम मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियां हमेशा क्या होती हैं, 3D होती है, यानी कि त्रिआयामी होती है। यहाँ पे कह रहा है कि रिलीफ मूर्तियां त्रिआयामी नहीं होती क्योंकि हम सभी दिशाओं से उसका अवलोकन नहीं कर सकते, ये गलत है। हम सभी दिशाओं से मूर्ति का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस व्यक्तित्व को पहचानिए जिसका संबंध नवजागरण काल के चित्रकारों से नहीं है। ऑप्शन है डोनाटेलो, बोटिशेली, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन। राइट आंसर इज फर्स्ट, डोनाटेलो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट करते चलिएगा। डोनाटेलो, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1386 ईस्वी। नेक्स्ट है बोटिचेली, 1445 यानी 1445 ईस्वी। नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंची, 1457। टिशियन, 1506। तो ये हो गई इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की।
तो हम बोत्तीचेली के कुछ वर्क की बात करें तो इनका वर्क है द बर्थ ऑफ वीनस, द बर्थ ऑफ वीनस 1486 में उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी प्राइमावेरा, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, 1482 ईस्वी में बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है मार्स एंड वीनस 1483 में। नेक्स्ट है एडोरेशन ऑफ मगी, इसको इन्होंने बनाया 1476 ईस्वी में। तो ये फ्रेंड्स बोत्तीचेली की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चल टाइप से मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संगत नहीं हैं, हमें नहीं है चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बी, सी एंड ई। तो इसमें कौन सा नहीं है पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर जो इसका संगत है हम उसे याद रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें नहीं पूछ रहा है और हमें राइट वाला भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, तो ये रॉन्ग है। इस अन्वेषण से ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ, बिल्कुल गलत। चल टाइप बनाने में शीशा और लौह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चल टाइप मुद्रण के लिए जो आपका राइट है वो है गुटेनबर्ग ने चल टाइप का अन्वेषण किया, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है चल टाइप से प्रथम मुद्रित पुस्तक आपकी क्या थी, बाइबिल, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये दो हो गए आपके राइट, यानी कि चल टाइप के लिए कौन से राइट हैं, और लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे कौन से संगत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड, 1968। उस हाथी की कहानी जो अजंता के विहार 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मातृ पोषक जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक्यूई परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है, ऑप्शन है प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण, शुंग का चोरी छुपे सृजन, गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना, यूरोप वासियों की कलाकृतियों की नकल करना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए, तो इसके कालक्रम का हम सही अरेंज कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें आपका सबसे पहले हो जाएगा मॉडलिंग, सेकंड है वैक्सिंग, थर्ड में आपका आएगा स्पूनिंग एंड वेटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट है आपका फोर्थ डी वैक्सिंग, लास्ट आपका आएगा पैटिनेशन, देखिए फिफ्थ नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मंगल पुस्तक जिसमें रामचंद्र राय द्वारा उकेरित चित्र था किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1860। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इज खजुराहो शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित कीजिए, तो राइट आंसर आपका है फर्स्ट, ए, बी और डी। यह नागर शैली का निदर्श है, हिंदू और जैन मंदिर है, बिल्कुल सही है। मंदिर विशाल और ऊंची पीठिका पर निर्मित किया गया है, और आपका सी और ई आपका गलत हो जाएगा। आंतरिक भाग का केवल चित्रण से अलंकरण, गलत। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक उल्लेखनीय उदाहरण है, बिल्कुल गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस मीडियम इज वेरी क्लोज टू रिलीफ स्कल्पचर, ऑप्शन है लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, विस्कोसिटी, ड्राई पॉइंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लिथोग्राफी। नेक्स्ट है
एक वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने आवश्यक हैं। सभी उत्पादों के विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पाद के बारे में ईमानदारी पूर्वक बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? राइट आंसर इज फोर, आचार भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनकी पेंटिंग्स प्लस इनके इमेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इमेजेस के भी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आएंगे, चाहे वो इमेजेस को देके हो, चाहे वो मिलान के लिए हो, चाहे वो वन वर्ड्स के हो, तो इनको हम बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन है, नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, आंसर है आपका बी सी एंड डी, कर्ण वर्शिपिंग दी सन, वो ऑफ भीष्म, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन। तो फ्रेंड्स जितनी भी पेंटिंग्स मुझे मिल पाई हैं वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो कुछ आप नोट भी करते चलिए। तो फ्रेंड्स ये है कर्ण वर्शिपिंग द सन, ये आपका है नंदलाल बोस का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो ये इसकी इमेजेस है नंदलाल बोस की, कर्ण वर्शिपिंग दी सन। इसके आगे भी मैं पेंटिंग आपको दिखाती हूँ, इनकी जो भी पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, शिव का विस्पान। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो ऑप्शन में दिया हुआ है जो नंदलाल बोस का नहीं है, तो उसमें एक है मदर एंड चाइल्ड, जो आपका है यामिनी रॉय का। एक है आपकी पेंटिंग कृष्ण एंड बलराम, जो राजा रवि वर्मा की है, वो भी मैं आपको अभी दिखा। सी दिस पेंटिंग, राजा रवि वर्मा, कृष्णा एंड बलराम। इसको हम जूम कर दें, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, इसको मैं जूम कर दे रही हूँ। कृष्णा एंड बलराम की, जो राजा रवि वर्मा ने बनाई है। ये सारे पेंटिंग्स की मैंने इमेजेस आपके साथ शेयर की है, उसे आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिसमें से मुझे ये पेंटिंग्स फ़िलहाल नहीं मिली है। अगर आपको ये पेंटिंग मिलती है वो ऑफ भीष्म, तो इस पेंटिंग को ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उन छापा चित्रों की पहचान कीजिए जो कांस्य कार के लिए भी जाने जाते हैं। राइट आंसर इज फोर्थ, सी एंड डी, लक्ष्मा गौड़ और सोमनाथ होर। लक्ष्मा गौड़ का डेट ऑफ बर्थ है 1940। नेक्स्ट है सोमनाथ होर 1921। सनत कर की हम बात करें, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1935। एलम सेन 1898। तो फ्रेंड्स अगर इनके डेट ऑफ बर्थ को कालक्रम में भी करने के लिए आ जाएगा तो आप इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार बट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इज सेकेंड, ए एंड डी। ए है बम्बा पाड़ा बनर्जी, नेक्स्ट है वासुदेव एच पांड्या। तो फ्रेंड्स ये जो दो हैं ये आपके किससे संबंधित नहीं है, बट तला छापा निर्माण से संबंधित नहीं है। अगर हैं कि अगर हम बात करें तो आपके हैं गोविंद चंद्र रॉय, नित्यलाल दत्त, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर पे है मानव चंद्र दास, और एक और है, तीन ही आपके, दो आपके जो इसमें नहीं है बट तला छापा चित्रण में, और तीन आपके आर्टिस्ट हैं गोविंद चंद्र राय, नित्यलाल दत्त, मानव चंद्र दास। मिलान है चंदेरी, चंदेरी का आपका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, पटोला गुजरात, इक्कत ये है उड़ीसा की, जामदानी बंगाल। राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फेमस पेंटिंग ऑफ नारायण श्रीधर बेंद्रे, एनएस बेंद्रे पेंटिंग्स को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, ए एंड डी,
द सनफ्लावर एन एस बेंद्रे की है एंड द काउ एंड द काल्फ, तो इसकी पेंटिंग भी हम आपको शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है द सनफ्लावर एन एस बेंद्रे की, ये इनकी पेंटिंग्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसे बनाया है 1955 ईस्वी में, ऑयल ऑन पेंटिंग, ये ऑयल ऑन कैनवास पे इन्होंने बनाया है जो ऑयल माध्यम में है। नेक्स्ट है इनकी द काउ ऑफ एंड द काल्फ, ये है इनकी पेंटिंग काउ एंड काल्फ एन एस बेंद्रे की, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और फ्रेंड्स, इसको इन्होंने जस्ट मिनट इसको इन्होंने 1930 से 1970 के बीच में तैयार किया और ये सलार जंग म्यूज़ियम में सुरक्षित है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और भी पेंटिंग्स की, यानी कि ऑप्शंस में आपके द थ्रेशिंग, द जर्नी इंड। फ्रेंड्स, द थ्रेशिंग फ्लोर, यानी कि द थ्रेशिंग फ्लोर की दो पेंटिंग्स हैं, तो दोनों पेंटिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक पेंटिंग है फ्रांसिस्को दी गोया की, इन्होंने इस पेंटिंग को ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया है जिसका साइज़ है 80x34 सेंटीमीटर। इसी टॉपिक पे एक और पेंटिंग बनाया है द थ्रेसिंग फ्लोर पर, यह है इनकी पेंटिंग द थ्रेसिंग फ्लोर बाय रेल्फ हेडले ने। रेल्फ हेडले ने बनाया इसे ऑयल ऑन कैनवास पे और इसका साइज है 121.3x161 सेंटीमीटर। है कॉर्टेसी ऑफ द लेइंग आर्ट गैलरी न्यू कैस्टल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका द जर्नी इंड, तो ये पेंटिंग सभी लोगों ने देखी होगी, द जर्नी इंड की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, जिसमें थके हुए ऊँट को दर्शाया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग या फिर नहीं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पेंटिंग्स आपसे डिस्कस करना है। ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है जन्म वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इनके जन्म के अकॉर्डिंग हम इन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं। तो फ्रांसिस्को दी गोया 1746, रेम्ब्रांड 1606, मॉन्टेग्ना है 1431, अल्बर्ट ड्यूरर 1471, होगार्थ है 1697। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले मॉन्टेग्ना 1431, उसके बाद अल्बर्ट ड्यूरर आपका हो जाएगा 1471, बी 1606, फिर है ई यानी कि विलियम होगार्थ 1697, देन लास्ट है फ्रांसिस्को दी गोया 1746। तो ये आपका अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रायन महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनाव को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष निकला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1918। नेक्स्ट इज फ्रांस प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रांड का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर इज सेकंड, लीडेन में। नेक्स्ट है अपनी मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज फर्स्ट, राजेंद्र टिक्कू। ये जस्ट पिछले ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन में ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र टिक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची वॉज फेमस एज, ऑप्शन है पेंटर, स्कल्पचर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्टर। राइट आंसर ही आपका हो जाएगा थर्ड, ए बी एंड डी, पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं एंड आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट इज अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्रित है? राइट आंसर इज थर्ड, 10। नेक्स्ट है धातु उत्कीर्ण छापों की पहचान कीजिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके हम राइट आंसर की बात कर लें, तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। दी बैटल ऑफ दी सी गॉड मॉन्टेग्ना ने बनाया था, ये भी आपका इंग्रेविंग है, धातु उत्कीर्णन।
मेलिनकोलिया फर्स्ट अल्बर्ट ड्यूरर का ये भी धातु उत्कीर्णन है। एडम और ईव ये भी आपका इंग्रेविंग में ही बनाया गया है। डी और ई, डी में आपका है सेंट माइकल स्लेइंग द ड्रैगन, अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है, जिसे इन्होंने बनाया है वुड कट पे, वुड कट। इन सबकी पेंटिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। नेक्स्ट है द थ्री ट्रीज, रेम्ब्रांड ने बनाया है, इसे इन्होंने बनाया है एचिंग में, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। तो हम पेंटिंग्स पहले आपसे शेयर करते हैं। द बैटल ऑफ द सी गॉड, ये पेंटिंग्स है फ्रेंड्स मॉन्टेग्ना की, द बैटल ऑफ सी गॉड, मॉन्टेग्ना की द बैटल ऑफ द सी गॉड, इसे मॉन्टेग्ना ने बनाया है और इसका जो माध्यम है वो है इंग्रेविंग। साइज की हम बात कर लें तो साइज है इसका 11 1/4 × 14 3/4 इंच, सेंटीमीटर में है 28.6 × 37.5 सेंटीमीटर, और ये आपका प्रिंट है यानी कि इंग्रेविंग में। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये है आपका मेलिनकोलिया फर्स्ट अल्बर्ट ड्यूरर का, जिसे इन्होंने इंग्रेविंग में बनाया है। बिल्कुल जूम करके को दिखा देती, ये पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर ये पेंटिंग को आप ज़रूर सर्च करके नोट कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है 1514 में, ये भी इंग्रेविंग है। इसकी साइज़ है 9 7/16 × 7 5/16 इंच, सेंटीमीटर है 24 × 18.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अल्बर्ट ड्यूरर की इंग्रेविंग पेंटिंग है एडम एंड ईव, अल्बर्ट ड्यूरर ने इसे 1504 ईस्वी में बनाया था, ये भी इनकी इंग्रेविंग पेंटिंग है, इसे 1504 में इन्होंने बनाया था। और फ्रेंड्स इसकी कुछ हम डीप डिस्कशन कर लें, इनकी जो पेंटिंग्स इसमें बनाई गई है उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक तोता को चित्रित किया गया है, इसके अलावा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें हम कुछ आकृतियों की बात कर लें तो कहा जाता है कि आदम और ईव ज्ञान के वृक्ष के पास खड़े हुए हैं, और इन दोनों आकृतियों के आसपास बहुत सारी आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। इसमें से हम एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। तो इन दोनों आकृतियों के बीच में देखिए दर्शाया गया है सर्प को। इसके अलावा यहाँ पे एक तोता अंकित किया गया है, साथ ही यहाँ पे एक दर्शाई गई है बकरी, गोट, या फिर इसको हम भेड़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक खरगोश की भी आकृति दर्शाई गई है, साथ ही एक यहाँ पे रैट है, चूहा है। इसके अलावा बिल्ली की भी आकृति दिखाई गई है, इसके अलावा यहाँ एक बैल की आकृति है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे एक एल्क यानी कि गोजन की आकृति बनाई गई है। फ्रेंड्स ये सारी आकृतियाँ इस पेंटिंग्स में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई गई। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रैट है, रैट बनाई गई है, यहाँ पे बिल्ली है, इसके अलावा यहाँ पे एक रैबिट है, पीछे साइड बैल दर्शाया गया है, यहाँ पे एक एल्क है गोजन, इधर कॉर्नर में है एक तोते के चित्र, बीच में दर्शाया गया है एक सर्प का, और यहाँ पे आपका गोट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। तो फ्रेंड्स वो सारी पेंटिंग्स थी जो इंग्रेविंग में बनाई गई थी। नेक्स्ट है ये आपका सेंट माइकल स्लेइंग द ड्रैगन, जो अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाई है, बट ये जो इन्होंने बनाया है ये इनका वुड कट में है। इसको इन्होंने 1504 ईस्वी में बनाया, और ये वुड कट माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग है आपकी द थ्री ट्रीज, जिसे रेम्ब्रांड द्वारा बनाया गया, इसे इन्होंने एचिंग माध्यम में बनाया है, एचिंग माध्यम में 1643 ईस्वी में।
तो फ्रेंड्स ये सारे पेंटिंग्स मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज अरेंज इज सीक्वेंस कीपिंग इन माइंड टू द जैपनीज उक्यू ई प्रिंट ट्रेड ऑफ जापान। ऑप्शन है कार्विंग द डिज़ाइन, ट्रांसफरिंग द इमेज, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, सेलेक्टिंग द आर्टिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सबसे पहले है सेलेक्टिंग द आर्टिस्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसफरिंग द इमेज, थर्ड नंबर पे आपका कार्विंग द इमेज, फोर्थ पे आपका प्रिंटिंग, देन लास्ट है पब्लिशिंग। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा हरिचंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताएं। राइट आंसर इज थर्ड, गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। रैफेल हैं 1483, लियोनार्डो द विंची 1475, माइकल एंजिलो 14। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है रैफेल, लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजिलो, कैरेवेजियो। रैफेल 1483, लियोनार्डो द विंची 1452, माइकल एंजिलो 1475, कैरेवेजियो 1571। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची 1452, उसके बाद हो जाएगा माइकल एंजिलो 1475, नेक्स्ट है कैरेवेजियो, रैफेल 1483, देन लास्ट आ जाएगा 1571 कैरेवेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर डिजाइन की प्रक्रिया को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सबसे पहले है कुछ संभावित अनुशीर्षक तैयार करना, नंबर टू विचारों को दृश्य रूप में ढालना, नंबर थ्री है चुनिंदा थंबनेल से कच्चा स्वरूप तैयार करना, नंबर फोर वास्तविक आकार की पूर्ण कलाकृति तैयार करना, देन लास्ट है कलाकृति को संभालना और उपयुक्त छापा प्रक्रिया से छापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान टिम्पन, टिम्पन है आपका लिथोग्राफी यानी शिला मुद्रण, बी है ब्लैंकेट, ऑफसेट प्रेस, मास्टर कॉपी, सेरीग्राफ, बर्क, इंटेग्लियो। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त रोंदा प्रभाववाद, पाब्लो पिकासो, घनवाद, बर्निनी, बारोक आर्टिस्ट, लोरेंजो घिबर्टी, प्रारंभिक नवजागरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फ्रेंड्स इसके बाद हम ये जो आर्टिस्ट हैं इनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो अगस्त रोंदा 1840, पाब्लो पिकासो 1881, बर्निनी 1598, लोरेंजो घिबर्टी 1378। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंथा कशीदाकारी का संबंध किस राज्य से है। राइट आंसर इज फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट टाइप वर्ग संरचना के भाग कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सी एन डी, क्रॉस बार, शोल्डर एंड लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 भुवनेश्वर अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो है कंदरिया महादेव, महाबलीपुरम, द्रौपदी रथ, एलोरा, कैलाश मंदिर। राइट आंसर इज फोर्थ, भुवनेश्वर का दूसरा यानी कि ए का दूसरा है, बी का पहला, सी का चौथा, डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दयाराम सहनी का संबंध डैश में की गई खुदाई से था। राइट आंसर इज फर्स्ट, हड़प्पा, इसकी खुदाई इन्होंने की थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल का संबंध है 325 से 184 BC,
नेक्स्ट है शुंग काल, शुंग काल का है 184 से 72 बीसी तक। नेक्स्ट है गुप्त काल, ये है 319 सी से 600 सी सेंचुरी तक। फिर नेक्स्ट है आपका चालुक्य काल, ये है 550 सेंचुरी से 642 सेंचुरी। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। केवल इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसके उसमें इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स उससे मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इसके आगे के जो भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।